नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और पार्ट 1 भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9 क्लास 10 स्पर्श कृतिका संचयन क्षितिज का लगभग सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और सारा समरी जो भी आप लोगों को कठिन लग रहा है सब आपको मेरे चैनल पर मिल सकता है। इसलिए आप एक एक चैनल को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, एक एक जो भी आपको कोई भी परेशानी होती है। और अभी मैं आप लोगों को पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का। तो पार्ट 2 में लेखिका क्या कहना चाह रही हैं, एवरेस्ट के शिखर पर किस तरह से कठिनाई से सामना की हैं, एक एक बात को बहुत ही ध्यान से इसमें लिखी हैं। तो आगे लेखिका कह रही हैं कि 15-16 मई को लेखिका लोहत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई हुई थी कि क्या हुआ, कैंप में लोपसांग तासारिंग तथा 10 अन्य व्यक्ति भी उसमें थे। अचानक रात को 12:30 बजे जोरदार का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था और लेखिका जब 12:30 बजे मतलब 12:30 में जब सोई हुई थी तो अचानक एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान उनके शरीर से टकराते हुए नीचे गिरा और वह काफ़ी बहुत ही बड़ा हिमपुंज जैसा था, मतलब बहुत ही बड़ा टुकड़ा बर्फ का था और कैंप तहस नहस हो गया, पूरा कैंप जो है तहस नहस हो गया, टूट फूट गया और हर व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया। लोपसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने वचेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेंगी। वचेंद्री ने उत्तर दिया नहीं, क्योंकि वचेंद्री पाल लेखिका यह नहीं चाहती थी, वे एक हिम्मत वाली थी और वे चाहती थी कि एवरेस्ट के शिखर पर उन्हें चढ़ना है, पहुंचना है तो इन सब मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। आगे बता रही हैं लेखिका कि साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और अपने साथियों की जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी, कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला, उसने चाय पी। तब लेखिका ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी और कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया कि एक व्यक्ति का नाम है। वे जब लेखिका को देखती हैं कि इतना अधिक चोट लगने के बाद भी लेखिका उन लोगों के लिए इंतज़ार कर रही हैं, उन लोगों के लिए चाय और जूस आदि की व्यवस्था करके उन लोगों के लिए ला रही हैं, तो वे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वे कृतज्ञ हो गए। उसने जूस पिया और वचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुँच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है। आगे लेखिका बता रही हैं कि अगले दिन वचेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदौर जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज वापस आना चाहेगा। वचेंद्री को लगा कि अंगदौर जी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था और लेखिका को उन पर विश्वास था कि अंगदौर जी कितने बार चढ़ाई किए हुए हैं, इसलिए उनके बात का वे महत्व दी हैं। आगे लेखिका बता रही हैं कि सुबह 6:20 बजे मतलब 6:20 बजे पर अंगदौर जी और वचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। वचेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी, उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी, उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ता था। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुँच गए। अंगदौर जी को यह जानकर हैरानी हुई कि वचेंद्री अभी थकी नहीं है। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो 1:00 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। आगे लेखिका बता रही हैं कि शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो गई। लोहाटू एक नायलन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और वचेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लोहाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लोहाटू ने देखा कि वचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही हैं, तो वे क्या किए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा दिए, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब वचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगा। अचानक हवा की गति बढ़ गई, इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे, दृश्य भी दिखना बंद हो गया, मतलब चारों तरफ अंधेरा जैसा होने लगा। अचानक
वचेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, मतलब 1:07 पर 23 मई 1984 को वे पहुंच गई। वह ऐसी पहली महिला थी, एवरेस्ट पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। जब लेखिका वहाँ एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचती हैं तो ये काफ़ी नुकीला जैसा जगह था और उस पर दो आदमी भी टिककर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन लेखिका वहाँ हिम्मत करती हैं, वचेंद्री पाल जी वहाँ पर हिम्मत जुटाई हैं और अपने हजारों मीटर लंबी वहाँ पर ढलान थी, उन्होंने पहले बर्फ के फावरे से क्या किया, अपना जगह बनाई और उसमें सुरक्षित अपने आप को किया, फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे के ताज को चुमा, क्योंकि लोग सागर माथे के नाम से उसको जाना जाता है। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और बड़े ही प्यार से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता को माथा टेकी और लाल कपड़े से उनको लपेट दिया गया, थोड़ी सी पूजा भी की और उन्हें फिर बर्फ में दबा दी। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई, जो माता पिता के आशीर्वाद से वे इस शिखर पर पहुंच चुकी थी। लेखिका ने अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर प्रकट किया, अंगदौर जी ने उसे गले लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे, उन्होंने फोटो लिए। लोहाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना भी दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, देश को तुम पर गर्व है, अब तुम जो नीचे जाओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। अब कर्नल खुल्लर उनको बधाई देते हुए कहते हैं कि अब तुम जो पहले थी अब वह तुम नहीं है, तुम एक विशिष्ट बन गई हो, अब तुम्हें लोग नया नज़र से देखेंगे, संसार के लोग तुमको नया नज़र से देखेंगे, क्योंकि सबके लिए तुम आज बहुत ही बड़ा हिम्मत वाला काम की है और साहस भरा काम की है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। इसी तरह फिर मैं आप लोगों के लिए नए नए पाठ बनाती रहूँगी। धन्यवाद।